नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फांसी दो, फांसी दो, रानी कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, रानी कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, रानी कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, रानी कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, रानी कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, रानी कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, रानी कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो। कल्याणपुर में रेप के बाद दसवीं मंजिल से फेंक कर युवती की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कानपुर कमिश्नर असीम अरुण को तलब किया। सीएम ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। इसके साथ ही घटना का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया। पांच कालिदास मार्ग पर पुलिस आयुक्त ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस आयुक्त से ली और कहा कि पूरे वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला कर अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इससे कि समाज में आना सिद्ध जाए कि बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले किसी भी सूरत में नहीं बच सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नरेट की कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस आयुक्त से बारीकी से जानकारी ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कमिश्नरेट कार्यालय और न्यायालय की स्थापना के संबंध में भी जानकारी लेते हुए उसे जल्द से जल्द तय स्थान पर स्थापित करने के लिए संबंधित अफसरों को निर्देशित किया है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार शाम को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। डिप्टी सीएम से पीड़ित परिवार ने एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी और इस पर विचार करने की बात कही है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक भगवती प्रसाद सागर, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, डीएम विशाख जी, एसपी आउटर अष्टभुजा प्रसाद सिंह समेत क्षेत्र नेता व अधिकारीगण मौजूद रहे। जी हाँ, आपको बता दें, डिप्टी सीएम के गाँव जाने की सूचना पर सोमवार शाम सपा नेत्री रचना सिंह के साथ कई कार्यकर्ताओं को एक्सप्रेस वे के पास पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। सपा कार्यकर्ता भाजपा डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स पहुंचा और सपा नेताओं को रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।